कहते हैं इंसान अपने साये से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपनी करनी से बच सकता है, अपने मुकद्दर से नहीं। अनहोनी से बच सकता है, नियति से नहीं। नियति को ना आप टाल सकते हैं या मैं। भूत प्रेत आत्मा एकमात्र ऐसा विषय है जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। आज भी जो लोग वीरान और बड़े घरों या जंगलात में रहते हैं, उन्हें आए दिन खौफ का एहसास होता है। इंसान सोच में पड़ जाता है कि बीती रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब क्या था। क्या वह कोई सपना था या फिर हमारे जीवन का दूसरा पहलू। ये और बात है कि जिंदगी के इस पहलू को समझने के लिए जॉनी को मौत के मुंह तक जाना पड़ा। शायद आप इस बात को भी ना माने, पर मैं मान चुका हूँ। एक रोज़ मैथ्यू हैमिल्टन, जो कि झांसी में एक सर्कल ऑफिसर थे, अपने दोस्त जॉनी एंडरसन को एक खत भेजते हैं। खत में लिखा था कि बाघ ने एक और आदमी का शिकार कर दिया है। ये एक चिंता का विषय था। जॉनी एंडरसन उस समय सेंट्रल प्रोविडेंस के कर्नल थे और साथ ही में एक बड़े शिकारी थे, परंतु ये खत बाकी खतों के मुकाबले असामान्य था। हालांकि अफ्रीका में कीमा के स्टेशन मास्टर द्वारा अब तक का सबसे असामान्य खत भेजा गया था। उन्होंने खत तब भेजा जब उन्होंने रेलवे स्टेशन की इमारत की लोहे की चादर की छत पर बड़े शेर को देखा, जहां उन्होंने काम किया था। उस शेर को कीमा का आदमखोर के रूप में जाना जाता था। टेलीग्राम में कहा गया था, लायन फाइटिंग स्टेशन। कीमा के इस शेर की रेलवे कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्राथमिकता थी और उसने पहले से ही एक वैगन ड्राइवर और एक स्टेशन मास्टर का शिकार कर दिया था। ये कहानी साल 1935 के दौर की है। जॉनी को मचान की सुरक्षा से एक निर्दोष बाघ को गोली मारने में कभी कोई रोमांच नहीं मिला। उसे घंटों खाली बैठने से नफरत थी और वह भी जमीन से 20 फुट ऊपर। इस प्रकार जॉनी ने पैदल ही बाघों का पीछा करना पसंद किया और उनका शिकार किया। जॉनी को आदमखोर बाघ का पैदल पीछा करने वालों में सबसे बहादुर कहा जाता था, लेकिन विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि ये आत्महत्या से कम नहीं था। बिना देर किए जॉनी बरेली से कनेक्टिंग ट्रेन पकड़कर झांसी पहुंचे। जॉनी को देखकर मैथ्यू को राहत मिली और उसने एक सरकारी बंगले में उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी थी। ये घने जंगल में और शहर से कुछ मील की दूरी पर स्थित था। झांसी एक चट्टानी पत्थर पर स्थित होने के कारण गर्मियों में अत्यधिक तापमान का आनंद लेता है, लेकिन जंगल घना था और हरे भरे पेड़ों से लड़ा हुआ था। झाड़ीदार जंगल में बहुत लंबी घास और कम लकड़ी वाले पौधे थे, जो एक बाघ के लिए अपनी धारियों को छिपाने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। बाघ आमतौर पर शिकार की तलाश के लिए एक व्यापक जमीन पसंद करता है और ये शायद ही कभी गहरे जंगल में जाता है। बंगले के पास के जंगल में शिकारियों के लिए भरपूर खेल और जंगली सुअर से लेकर हिरन तक बाघों के लिए पर्याप्त भोजन था। ये समझना मुश्किल था कि झांसी के इस बाघ ने अपने वैध शिकार के बजाय इंसानों को क्यों अपनी खुराक बनाया। आदमखोर क्यों बना ये बाघ, बाद में पता चला। आह, मैं तुम्हें देखकर बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ, जॉनी, मैथ्यू ने कहा। आपने पत्र के बजाय तार भेजा। मुझे एहसास हुआ कि ये गंभीर होना चाहिए, और बाघ चिंताजनक हो रहा था। क्या ये आदमखोर बाघ के बारे में है, जॉनी ने पूछा। हाँ जॉनी, ये बाघ कुछ महीने पहले दिखाई दिया था। इसने मध्य प्रांत में केन नदी के जंगलों से लगभग 100 मील की लंबी यात्रा की। प्रारंभ में हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाघ के लिए ये उचित था कि समय के साथ एक अन्य शक्तिशाली धारीदार जानवर की चुनौती के कारण अपना निवास स्थान बदल लिया जाए। पहले तो इस बाघ ने अपने प्रतीक शिकार का पीछा किया और फिर आसपास के गांव से मवेशियों को उठाना शुरू कर दिया, मैथ्यू ने समझाया। वह एक पल के लिए रुका। आगे बोलो, जॉनी ने कहा। हालांकि एक मौके पर बाघ ने जंगल के पास झुंड में चारा चरती एक गाय को उठा लिया था। बाघ को भूख लगी होगी कि गाय के मालिक के सामने ही उसे खाने लगा। गुस्से में मालिक ने अपनी छड़ी से बाघ को ललकारा। इसके बजाय एक माननीय रूप पर जंगल में भाग जाने के बजाय बाघ मालिक की ओर बढ़ा। ये देख वह पीछे मुड़ा और गाँव की ओर भागा। बेचारा लाठी से क्या कर सकता था। बाघ ने आदमी के कंधे पर वार किया और उसकी गर्दन अपने नुकीले दांतों तले कुचल दी। वास्तव में बाघ की ओर दौड़ना उसकी मूर्खता थी। उसने अपने लांच में व्यस्त बाघ को परेशान किया। तो आगे क्या हुआ। बाघ अपने भोजन के लिए वापस आ गया, लेकिन तब तक लकड़बग्घे और गिद्ध अब तक उसके भोजन में से अपना हिस्सा चुरा चुके थे। कुछ मिनट तक बाघ वहीं खड़ा रहा। इसके बाद उसने गरीब मालिक के जिस्म की ओर देखा। सभी मवेशी पहले से ही तितर पितर हो चुके थे और गांव की ओर भाग गए। बाघ मालिक की ओर बढ़ा, उसके शव को उठा लिया और जंगल में गायब हो गया।
ऐसे बना झांसी का आदमखोर। जब तक हम इस समय बात कर रहे हैं वह पहले ही 20 लोगों को मार चुका है। वह काफ़ी लोग हैं मैथ्यू, जॉनी ने कहा। हाँ बिल्कुल जॉनी, ये बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम इस बाघ को मारोगे तो तुम्हें सरकार की ओर से 100 रुपये का इनाम मिलेगा। क्या इस बाघ को मारने के लिए क्षेत्र में कोई और शिकारी है, जॉनी ने पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। हो सकता है पुरस्कार उनके लिए पर्याप्त ना हो। मैं केवल आपको ये प्रकाश कर सकता हूँ, मैथ्यू बोला। मैं इसे तुम्हारे लिए मारूंगा दोस्त। मैं इस जानवर को कहाँ खोज सकता हूँ, जॉनी ने कहा। मैथ्यू का मानना था कि उत्तर की ओर जाने वाली पगडंडी पर बाघ देखा गया था। गर्मी का मौसम है और गर्मियों में बाघ पानी के पास लेटना पसंद करता है। मैं उस निशान को खोज लूँगा, वह बहुत अच्छा होगा। ज़िले के उस हिस्से में काफ़ी हत्याएं हुई हैं। उसकी सीमा क्या है, जॉनी ने पूछा। मैथ्यू ने नक्शा दिखाते हुए कहा, वह दक्षिण में 80 मील नीचे, उत्तर और पूर्व में कुछ मील की दूरी पर शासन करता है। आखिरी इंसानी शिकार कहाँ हुआ था, जॉनी ने पूछा। आखिरी शिकार यहाँ से कुछ मील की दूरी पर हुआ था। एक चरवाहा खेतों से लौट रहा था और उसने झाड़ियों के बीच से एक छोटा रास्ता लिया। ये साल का सबसे गर्म मौसम था। बाघ शायद एक छोटे से तालाब के पास छाया में आराम कर रहा था और उसने उस पर ध्यान दिया। यद्यपि उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन तब भी वह अपने रास्ते में आने वाले भोजन का विरोध नहीं कर सकता था, मैथ्यू ने नक्शे के माध्यम से समझाया। और बाघ तेंदुए से अलग होते हैं, वे दिन के किसी भी समय शिकार करते हैं। हाँ, वे हमेशा घुमक्कड़ों और यात्रियों की तलाश में रहते हैं। क्या आप इस बाघ के बारे में कुछ और बताना चाहोगे मुझे, जॉनी ने कहा। वे बहुत बड़ा है, अन्य आदमखोर बाघों की तरह वह भी चालाक है। अपनी प्रवृत्ति और एक निरंतर शिकारी की तरह शिकार करता है, मैथ्यू ने समझाया। वह एक अलग तरह का जानवर है, इस बार शिकारी का शिकार हो सकता है ना। ये सुनकर जॉनी मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, जॉनी। आप सबसे अच्छे हैं जो हमें ज़िले में मिले हैं और आप एक दोस्त हैं। मैं थक गया हूँ और नींद आ रही है मुझे अब, मैथ्यू बोला। सुरक्षित रहना, शुभ रात्रि, जॉनी। शिकारी आमतौर पर एक बकरी या भैंस खरीदते हैं और इसे बाघों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाइसन से ज़्यादा बाघ एक बकरी को पसंद करता है, लेकिन ये बाघ कोई साधारण बाघ नहीं था। वह एक उग्र आदमखोर था और उसकी थाली में रात के खाने के लिए बहुत सारे ग्रामीण मौजूद थे। ये एक धूमिल मौका था कि वह एक बकरी में दिलचस्पी लेगा जब तक कि वह हताश ना हो। बड़े ज़िले में ग्रामीणों को अपनी झोपड़ियों में बंद रखना और बाघ को भूखा रखना असंभव था। जॉनी के लिए समस्या ये थी कि इस नरबक्षी का पता कैसे लगाया जाए। झाड़ियों के जंगल में आदमखोर का पीछा करना आत्महत्या से कम नहीं है। आदमखोरों का आक्रमण इतना तेज़ होता है कि ज़मीन पर मौजूद कई शिकारियों को आमतौर पर अपनी बंदूकों को कंधे तक लाने का मौका नहीं मिलता। बहुत पहले एक नौसिखिया शिकारी अपनी मचान से नीचे उतरा था, अपनी बोतल में तालाब से पानी भरने के लिए। वह बाघ जिसकी धारियां घास में पूरी तरह घुल चुकी थीं, वह चुपचाप शिकारी को देखता रहा। उसने शिकारी का पीछा किया। उस आदमी ने बोतल भरने के लिए अपनी बंदूक ज़मीन पर रखी थी। वह आस्मिक था। बाघ ने उस पल को एक शक्तिशाली गरजने के साथ चार्ज करने के लिए चुना और शिकारी की गर्दन मरोड़ दी। जब बाघ निकला तो एक भी झाड़ी नहीं हिली और शिकारी केवल चीख सकता था। जब जॉनी ने आदमखोर की तलाश शुरू की तो उसके पास एक .400 विंचेस्टर राइफल और एक शॉटगन थी। गर्मियों में बाघ विभिन्न स्थानों पर पाए जा सकते हैं। वह गर्मी से बचने के लिए गुफाओं या ऊंची झाड़ियों या पानी वाले संकरी घाटी को पसंद करते हैं। धूप तेज होने पर वे खुले मैदान को पसंद नहीं करते हैं। जॉनी ने सावधानी से बाएं और दाएं जंगल को ध्यान से देखा, हालांकि कभी कभी उसने सरप्राइज चार्ज से निपटने के लिए अपना सिर भी घुमाया। एक साधारण बाघ जब आदमखोर बन जाता है तो कायर भी हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ असाधारण मामलों में आदमखोर बाघ मुख्य रूप से उस व्यक्ति को निशाना बनाते हैं जो सबसे अंत में चल रहा होता है। मैसूर में एक बार बाघ ने एक व्यक्ति को गाड़ी से खींच लिया था। गाड़ी समूह में सबसे अंत में थी, लेकिन जॉनी अकेला था और आदमखोर कुंवारे को पसंद करते हैं। जंगल असामान्य रूप से शांत था। लंगूर को जंगल का चौकीदार कहा जाता है। लंगूरों के मुखिया पर अपने कबीले की सुरक्षा करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह एक पेड़ की शाखा पर बैठा होता है और उसकी आंखें विशाल जंगल को देखती हैं। अगर वह देखता है कि कोई मांसाहारी जानवर चल रहा है तो वह तुरंत जंगल को खड़ खड़ से सचेत करता है। जॉनी ने अनुमान लगाया कि जंगल का मालिक कहीं आराम कर रहा है
और शिकार करने के मूड में नहीं है। अपने पैरों को सावधानी से ज़मीन पर रखते हुए जॉनी ने पानी के एक कुंड तक पहुंचने के लिए घनी झाड़ियों के जंगल को साफ किया और वह देख सकता था कि अगला गांव इस तालाब से कुछ मील की दूरी पर है। आदमखोर के आसपास एक गोरी लड़की को देखकर जॉनी चौंक गया। वह तेज़ धूप से बचने के लिए बड़ी चट्टान के नीचे बैठी थी और खुद को साफ कर रही थी। ये एक असामान्य दृश्य था। जब आदमखोर चारों ओर दबका हुआ था तो एक विस्तृत दृश्य में बैठना उसका एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। जॉनी जानबूझकर अपनी उपस्थिति प्रकट करने के लिए खासा। वह चाहता था कि वह उस चुनरी से अपने आप को ढक ले जो उसके पास पड़ी थी। लड़की ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और घबराए हाथों से अपने चारों ओर लपेटने के लिए कपड़ा ले लिया। उसकी जांघों पर खरोंच के निशान थे। उसका जिस्म खूबसूरत था। उसकी आंख के पास गहरे लाल रंग का घाव था जिससे पता चलता है कि उसे बुरी तरीके से मारा गया है। यह हाल ही का घाव लग रहा था। कुल मिलाकर वह एक हष्टपुष्ट युवा लड़की की तरह लग रही थी। मेरा नाम जॉनी है और मैं कर्नल हूँ। मुझे बाघ की तलाश है। मेरा मतलब एक आदमखोर बाघ की। क्या तुमने आदमखोर को देखा या उसके बारे में सुना है? जॉनी ने टूटे फूटे शब्दों में पूछा। गर्मी से बचने के लिए वह बड़ी चट्टान के पास ज़मीन पर बैठ गया। उन्होंने ब्रिटिश उच्चारण के साथ स्थानीय बोली बोली। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊँगा। मैं बस अपना रुमाल पानी में डुबाना चाहता हूँ। हमें अफसरों से डर लगता है, शेरों से नहीं। वह रात में हमारे दरवाजे पीटते हैं और हमसे गंदी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लड़की ने कहा। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ बाघ का खात्मा करने आया हूँ। मैं उस बाघ के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने इस ज़िले में कई लोगों को मार डाला था। ये एक बाघिन है। इस ज़िले को शैतानी बाघिन ने अपना घर बना लिया है साहेब। ये बाघिन एक राक्षसनी है और शिकारियों की हर हरकत को जानती है। पिछले महीने उसने मचान से साहेब को नीचे खींच लिया और उन्हें मार डाला, लड़की ने समझाया। क्या कहा? पेड़ से नीचे खींच लिया? क्या आप मजाक कर रही हैं? जॉनी ने कहा। नहीं, ये सच है साहेब। ग्राम प्रधान भूरा ने इसे दूसरे पेड़ से देखा। लड़की ने तालाब से अपने घुटनों पर पानी छिड़का। ये कैसे हुआ? क्या आप आत्माओं में विश्वास रखते हैं साहेब? नहीं, मैं इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। लेकिन आपने ये क्यों पूछा? क्या बाघिन कोई प्रेत आत्मा है? नहीं, वे नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा कि मालिक और नौकर के बारे में शास्त्र कहते हैं। मुझे आशा है कि आपने कहानी तो सुनी होगी। बाघ का शिकार उसका नौकर बन जाता है। हाँ, मैंने कहानी सुनी है। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को बाघ ने मार डाला है उसकी आत्मा बाघ का पीछा करती है और उसके सिर पर बैठ जाती है। उसके बाद वह एक अन्य शिकार के माध्यम से बाघ का मार्गदर्शन करता है जिससे वह जानता है। उन्होंने जंगल के खतरों पर भी प्रकाश डाला। आत्मा अपने मालिक बाघ की दासी बन जाती है जिसने उसे मार डाला था, जॉनी ने समझाया। हाँ, बेचारे साहब के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं उत्सुक हूँ, क्या आप मुझे बताएंगी कि क्या हुआ? जॉनी बोला। हाँ अवश्य साहब। कुछ दिन पहले सफ़ेद शिकारी के कार्यालय में दौड़ने वाले को एक आदमखोर ने मार डाला था। साहब ने अपने बंदूक से पेड़ पर कब्जा कर लिया और भूरा ने दूसरे पेड़ पर कब्जा कर लिया। जंगल शांत था और एक भी झाड़ी नहीं हिली। रात्रि में चंद्रमा तेज चमक रहा था और शिकारी अपने मचान पर बैठा रहा चुपचाप। लड़की ने कहानी को जारी रखा। गहरा अंधेरा था लेकिन वो चांदनी रात में लाश देख सकता था। मचान कितनी ऊंची थी? जॉनी ने पूछा। ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर थी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने लाश को ज़मीन से 30 फुट ऊपर उठा लिया था और लक्कड़ बग्गे और पैंथर से बचने के लिए उसके चारों ओर डालियाँ और पत्ते डाल दिए थे। लेकिन बाघ मेरे अनुमान से पहले आ गया और कई प्रयासों के बाद उसने अपना भोजन पेड़ से नीचे उतारा, जॉनी ने कहा। हाँ, बाघ पेड़ों पर चढ़ सकते हैं साहब, अगर वे भूखे हों। लेकिन यहाँ बाघिन का आहार सामने था। उसने शिकारी को नीचे क्यों खींचा? और बाघिन की सूंघने की शक्ति ना के बराबर होती है। बाघिन को शिकारी पेड़ पर कैसे मिल गया? हाँ साहब, बाघों की सूंघने की क्षमता बहुत कम होती है। जब यह बाघिन दूसरे भोजन के लिए आई तो साहब ने ट्रिगर दबाकर उसे घायल कर दिया। बाघिन ने शिकारी को देखा लेकिन जंगल में गायब हो गई। उसके बाद बाघिन ने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था, वो लंटाना झाड़ी के पीछे झाड़ीदार जंगल में भाग गई। क्या हुआ उसके बाद?
आनन फानन में व्याकुल शिकारी फिर से अपने मचान पर बैठ गया। कुछ देर बाद बाघिन अपने भोजन पर लौट आई। जब बाघिन ने उसे देखने के लिए अपना सिर हिलाया तो भूरा घबरा गया। भावना का वर्णन करना कठिन है। कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर जीवित प्रजाति ये देखकर छिप गई है कि जंगल का मालिक आगे बढ़ रहा है। ये डरावना है। हालांकि मैंने कई बाघों को मारा है, फिर भी इस तरह की मुलाकात से मेरी गर्दन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली दहाड़ के साथ, बिजली की गति के साथ, और इससे पहले कि सांप अपने आप को अपने घुटनों पर उठा पाते, बाघिन ने उनकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में उन्हें मौत के आगोश में सुला डाला। ये सब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था साहब। भूरा कैसे बच निकला? वह नहीं भागा, वह पेड़ में ही रह गया। बाघिन ने उसे बख्श दिया। मेरा मानना है कि बाघिन को पता था कि साहब खतरा है, ना कि भूरा। हो सकता है बाघिन का पीछा करते हुए उसे साहब के बारे में चेतावनी दी हो, ना कि भूरा के बारे में। कौन भविष्यवाणी सही बता सकता है? क्या कोई जानता है कि शिकारी कौन था? वे कानपुर के कैप्टन स्मिथ थे। ओह, कैप्टन स्मिथ! मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, जॉनी ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी निगाहों से कहा। क्या वे आपके दोस्त थे? दोस्त नहीं, लेकिन हमने कई बार साथ में शिकार खेला है। हमारे पास एक ही रेजिमेंट थी। शिकारी बहादुर हैं, लेकिन राइफल के बिना शिकारी की कहानी अलग होगी। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जॉनी ने पूछा। लक्ष्मी साहिब, मैं उसी गांव की हूँ जिसका मुखिया भूरा है, उसने आगे कहा। आप मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाते साहब? बाघ आदमखोर क्यों बन जाते हैं? मैं कहानियाँ तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। आप जानेंगे कि पहला आदमखोर बाघ कैसे विकसित हुआ, क्योंकि मुझे इस बाघिन के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई थी। मैं आपको आदमखोर की एक कहानी भी सुनाऊंगा। क्या इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। जॉनी वापस मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, ये होगा, क्योंकि इसने निश्चित रूप से मुझे भी डराया था। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक बनिया था जो गांव में दैनिक ज़रूरतों की दुकान चलाया करता था। ये एक छोटी सी दुकान थी। बनिया शहर आया करता था और शहर से सामान लेकर अपनी दुकान में बेचता था। एक बार जंगल से एक बड़ा बाघ निकला और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क के पास उसने एक शिकार किया। इस बाघ ने हिम्मत जुटाई और कभी कभी गांव से मवेशी या बकरी भी ले जाया करता था। कई बार वह सड़क पर बैठ गया और यात्री हिल नहीं सके। बनिया शहर नहीं जा सका और व्यापार घाटे में चला गया। वह दूसरे गांव में रहने वाले बुजुर्ग पुजारी के पास गया और पुजारी ने उसे कुछ चूर्ण दिया। उसने बनिया से कहा कि वह इस चूर्ण को अपनी जेब में रख ले और यदि उसे अपने पास बाघ दिखाई दे तो वह इस चूर्ण का सेवन कर ले। बनिया भी बाघ में प्रतिवर्त हो जाएगा और फिर वह या तो दूसरे बाघ को मार सकता है या उससे डराकर भगा सकता है। बाद में बनिया को अपना मानव रूप वापस पाने के लिए फिर से थोड़ा सा चूर्ण चखना पड़ेगा। ओ, ये एक सम्मोहक कहानी है, मैंने इसे कभी नहीं सुनी। एक बार बनिया और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने सड़क पर बाघ को देखा। बनिया ने अपनी जेब से चूर्ण निकाला और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। महिला स्पष्ट रूप से भयभीत थी और उसने बनिया से वापस जाने की विनती की। हालांकि बनिया ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने चूर्ण की एक थैली ली और अपनी पत्नी से पाउडर को अपने पास रखने का आग्रह किया। बनिया ने उससे कहा कि जब वह वापस आएगा तो वह बचे हुए चूर्ण को खाकर फिर से मानव आकार में आ जाएगा। मैं पीछे भाग जाती, चाहे कुछ भी हो। वहां रहना उस महिला की बहादुरी थी। क्या हुआ उसके बाद? बनिया महिला से कुछ मीटर दूर जाकर पाउडर खा गया। वह अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता था। बनिया ने एक बड़े बाघ का रूप धारण कर लिया और दूसरे बाघ के पीछे चला गया। पूरे जंगल ने दो विशाल बाघों की आपस में लड़ने की भयानक धाड़ सुनी। बाघ बनिया जीत गया और वह अपनी पत्नी के पास लौट आया। महिला अपने सामने बड़े बाघ को देखकर जोर से चिल्लाई और गांव की ओर भागी। उसके हाथ से चूर्ण पानी की छोटी सी धारा में फिसल गया जो पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। अब बनिया के पास ऐसा कोई पाउडर नहीं था जो उसे इंसान में बदल दे। उसे अब बाघ बन के ही रहना पड़ेगा। परेशान होकर उसने अपनी पत्नी को मार डाला और बाघ के रूप में जंगल में गायब हो गया। बाद में क्योंकि उसके पास एक बाघ का शरीर था, लेकिन उसके साथ एक इंसान का दिमाग भी था, वह इंसानों के बारे में
सभी छोटी छोटी बातें जानता था। उसने इंसानों का शिकार करना शुरू किया और आदमखोर बन गया। इस तरह पहला आदमखोर बाघ का उदय हुआ और इसका स्वाद पीढ़ियों तक चला गया। ये एक अविश्वसनीय कहानी है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? लड़की ने पूछा। नहीं, मैं नहीं करता, मैं एक शिकारी हूँ, जॉनी ने उत्तर दिया। लड़की चुप रही। जॉनी ने खुद को ज़मीन से उठाया और अपना चेहरा धोया। गर्मी बहुत थी और आदमखोर की चर्चा ने जॉनी जैसे शिकारी को भी बेचैन कर दिया था। जॉनी गर्मी से बचने के लिए बड़ी चट्टान के नीचे बैठ गया और अपने सिर को लड़की की ओर घुमा लिया, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं थी। शायद लड़की डर गई थी, उसने सोचा। हालांकि जंगल के माध्यम से अकेले गांव में चलना उसके लिए बहुत साहसिक था। बस जब जॉनी अपनी राइफल के लिए नीचे झुका तभी उसे बाघ की एक बेहोश दहाड़ सुनाई दी। इसने उसे डरा दिया। दहाड़ जंगल से नहीं आई थी बल्कि बड़ी चट्टान के पीछे से आई थी। उसने सोचा कि शायद बेचारी लड़की मारी गई हो और उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला होगा। इन विचारों के साथ जॉनी ने बाघिन को देखने के लिए अपना सिर चट्टान के ऊपर उठा लिया और उसने जो देखा उसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी। वही गहरा लाल निशान जो कि उस लड़की की आंख के पास था वो अब बाघिन की आंख के पास था। इसके आगे क्या हुआ?